नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शालिनी रावत और अभी हम कुमाऊँ में हैं, यानी कि हल्द्वानी में। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। हम जा रहे हैं मुनस्यारी। तो मुनस्यारी यहाँ से लगभग 285 किलोमीटर है, यानी कि 10-12 घंटे लग जाते हैं सुबह से शाम तक। अभी हम जैसे 5 बजे निकलेंगे तो हम शाम को 6 या 7 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। और मुनस्यारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लास्ट तिब्बत बॉर्डर पर। तो हम 15-20 दिन वहीं रहेंगे और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये देखिए, ये मरी हुई हालत में हो रखी है यहाँ पे सुबह सुबह ही। और ये अतुल है, ये दूसरे वाले रूम में थे, अभी इधर शिफ्ट हुए हैं हमें सी ऑफ करने के लिए। तो कैसा लग रहा है तुमको? देखना, कोई रिएक्ट ही नहीं करेंगे जानबूझ के व्लॉग खराब करने के लिए, है ना? तो हमारा बैग वैग तो सब पैक है और हम बस ड्राइवर का वेट कर रहे हैं। और ये हमने अपने चिप्स वगैरह रखे हुए हैं क्योंकि मैं खाली पेट, मेरा सर घूम जाता है, इसलिए अभी मुझे थोड़ा पेट सेटल करने के लिए कुछ खाना पड़ेगा। ये आ चुके हैं और हम निकल रहे हैं, तब तक रूम के लिए बाय बाय। होटल वाले भी सारे सो रहे हैं। गाड़ी आ चुकी है और ये देखिए, इसमें जाएंगे हम। हमने आगे की 2 सीट बुक कर ली थी पहले। हल्द्वानी में ज़्यादातर भूटिया पड़ाव एक जगह है, वहाँ पर गाड़ी रुकती है क्योंकि बहुत सारे लोग मुनस्यारी जाने के लिए होते हैं और ज़्यादातर वो भूटिया ट्राइब्स के होते हैं, इसलिए। आप ये साल फॉरेस्ट देख रहे होंगे, पूरा ये जंगलात का जंगल है। इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है। और सनराइज हो चुका है और खिलखिली धूप आ चुकी है। और देखिए ट्रक के पीछे कड़वा सच। और हम पहुंच चुके हैं झीलों के शहर नैनीताल में। और ये जो झील दिख रही है इसको भीमताल कहा जाता है क्योंकि ये भीम जैसी विशालकाय सबसे बड़ी झील है नैनीताल की। और ये है नीम करोली बाबा का कैची धाम आश्रम, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, शांति के लिए लोकप्रिय है। और यहाँ से हमें बर्फीले पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे, पूरा हिमालय रेंज। अभी हम अल्मोड़ा पहुंच गए हैं और नाश्ता। शिवा दीदी, जिनके होमस्टे में हम पिछली बार रुके थे, वो भी मिल गई है और अंदर बीना दीदी भी बैठी है। और ये देखो, बदबू आ रही, क्या ठंड लग रही। तो ये अल्मोड़ा की बाल मिठाई जो सबसे ज़्यादा फेमस है। और ये है सिंगोरी, जो पत्ता होता है मालू का पत्ता, उसमें लपेटा हुआ होता है। तो ये है सिंगोरी। ये दोनों मिठाइयाँ फेमस है उत्तराखंड की। तो मैं अभी यहाँ पे 6 डब्बे ले रही हूँ मिठाई के लिए, गांव में दीदी लोगों के लिए। तो हमने मिठाई तो पैक कर ली है पूरी और अब हम समोसे खा रहे हैं, मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। और ये है मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ कुमाऊँ, यानी कि अल्मोड़ा। अल्मोड़ा की बहुत ही पॉपुलेटेड सिटी है। फिर आगे चलते चलते हम पहुँचे चिताई गोलू देवता, जिनको न्याय का देवता कहा जाता है। और ये कुमाऊँ के ईष्ट देवता है, शिव जी का एक अंश। और अब हम पहुंच चुके हैं थल, यानी कि थल की बाजार वाला जो आपने गाना सुना होगा वो यही थल है। और यहाँ की मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अभी हम यहाँ पे थल में रुके हैं और यहाँ पे हम लंच कर रहे हैं।
में थल की मछली बहुत ज़्यादा फेमस है और ये मछली खाएगी, और मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है तो मैं वेज ऑर्डर करूँगी। ये है मेरी वेज थाली। और अगर आप ये आगे देख रहे होंगे वाटरफॉल, ये है बिरथी वाटरफॉल जो कि मुनस्यारी का सबसे ज़्यादा फेमस वाटरफॉल है। और ये आ चुका है मुनस्यारी की शान, सामने पंचाचूली पीक, और जहाँ पर हम खड़े हैं वो है काला मुनि आश्रम। तो काला मुनि से आगे जाते जाते हमें ऐसे छोटे छोटे क्यूट से झरने दिखे और कुंड जैसा बन गया था ये ऊपर से, क्योंकि पानी आ रहा था। और सड़कें यहाँ पर ऐसे ही रहती है टूटी हुई, क्योंकि लैंडस्लाइड होते रहते हैं। और जैसे ही आगे पहुँचते देखा तो बिल्कुल शाम हो चुकी थी और इवनिंग लाइट बिल्कुल जा चुकी थी पहाड़ों से। और ये देखिए पंचाचूली का खूबसूरत व्यू। और अब हम आ चुके हैं बाज़ार में, मेन मुनस्यारी बाज़ार में। और देखिए बाज़ार की चहल पहल शाम को ऐसे ही रहती है, ठंडा बहुत रहता है क्योंकि ऊपर बर्फीले पहाड़ है और वहाँ से ठंड आती है नीचे। अभी हम सरमोली गांव में पहुंच चुके हैं, अभी सब अंधेरा अंधेरा हो रखा है तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये है आज का हमारा होम स्टे। तो हम पहुंच चुके हैं अपने होम स्टे पे और आज का होम स्टे हमारा ये है। ये पहले तो अटैच वॉशरूम है यहाँ पर, और यहाँ पे गीज़र वगैरह सब लगा हुआ है क्योंकि बहुत ठंड लगती है। और यहाँ से ये ट्रेडिशनल हाउस है जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल कि मैं ऐसे घर में रहूँ। तो ये है पूरा जैसे हमारे गांव में भी होता है। तो ये है हमारा होम स्टे नेक्स्ट 3-4 डेज के लिए, और बहुत कोजी है, गर्म है काफ़ी। दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा थकान लगी हुई है तो अब आगे की व्लॉग्स कल से कंटिन्यू करते हैं। तब तक नमस्ते। नमस्ते दादी, ठीक है? ठीक है। ये हमारी दादी है, ये होस्ट है हमारी हीरा दादी है। और ये इन्हीं का होम स्टे है और एग्रीकल्चर भी करती है दादी। थैंक यू दादी, पानी लेके आइए दादी। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और मुनस्यारी जरूर आना।